बुलेटिन में आप सभी का आपके साथ मैं अंजलि मुद्गल। बड़ी खबर इस वक्त की गुजरात के जूनागढ़ से आपको बता दें, जहां पर इमारत गिर गई है। जूनागढ़ में 2 मंजिला इमारत गिरने की वजह से हादसा। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। मौके पर राहत और बचाव का काम चल रहा है। गुजरात के कई जिले त्राहिमाम कर रहे हैं। जूनागढ़ से लेकर जामनगर तक स्थितियां इसी तरह की हैं। जूनागढ़ जो कि पहले से ही बाढ़ बारिश की चपेट में है, वहां पर 2 मंजिला इमारत गिर जाने की वजह से हो गया है बड़ा हादसा। कई लोगों के दबे होने की सूचना मिल रही है। सूचना मिलते ही तुरंत प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है। दबे हुए लोगों को बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चल रहा है। मलबे में बताया जा रहा है कि कई लोग दबे हो सकते हैं। जूनागढ़ में 2 मंजिला इमारत गिरने की वजह से हुआ ये हादसा। गुजरात के जूनागढ़ से ये ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं। सब्जी मंडी इलाके में बताया जा रहा है यह हादसा हुआ है। कई लोगों के दबे होने की इसमें आशंका है। बड़ा हादसा कड़ियावल इलाके में, सब्जी मंडी इलाके में, जहां पर एक इमारत ढह गई। कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि इमारत जो है वो सब्जी मंडी के पास है और इसके नीचे दुकानें भी थी। भीड़ इस इलाके में बहुत ज्यादा रहती है, ऐसे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। सूचना मिलते ही पुलिस और एसटीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है। हादसे में जो लोग दबे हैं मलबे के नीचे, उन्हें निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले दिनों भारी बारिश यहां पर हुई, बादल फट गया, जिसकी वजह से भारी तबाही पहले से ही जूनागढ़ झेल रहा था कि यहां पर 2 मंजिला इमारत भी गिर गई है। कई कच्चे मकान हैं जो कि लगातार ढह रहे हैं। एक और 2 मंजिला इमारत गिरने की वजह से हो गया है हादसा। जूनागढ़ में अभी तक इस सीजन में 10 इंच बारिश रिकॉर्ड हो चुकी है और लगातार इसी तरह कच्चे मकानों के गिरने का सिलसिला जारी है। शहर में बाढ़ है पूरी तरह से, पानी का हर तरफ कब्जा है। जूनागढ़ पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है। भारी परेशानी लोगों के सामने है। कई मवेशी भी इसकी चपेट में आ चुके हैं। कई जानवरों की मौत हो चुकी है। और अब जानकारी लेटेस्ट जो मिली है वो ये है कि जूनागढ़ में 2 मंजिला इमारत गिरने से हो गया है हादसा। इस पर अमित राजपूत और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता। अमित, लेटेस्ट अपडेट क्या मिल रहा है वहां पर? कितने लोगों के दबे होने की आशंका है? क्या कच्चा मकान था ये जो गिर गया? जी बिल्कुल, अगर बात करें इस मकान की तो मकान 2 मंजिला था, जिसमें अभी भी 4 लोग दबे होने की आशंका बताई जा रही है। भारी बारिश के चलते कहीं ना कहीं जो जमीन है वो ढीली हो चुकी है, जिसकी वजह से ये सारी वारदातें सामने आ रही हैं। जूनागढ़ की बात नहीं, गुजरात के और भी कई अन्य इलाके हैं जहाँ पे कहीं दीवार धराशायी हुई है तो कहीं मकान धराशायी हुई है। लेकिन जूनागढ़ में जिस तरह से मकान धराशायी हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं अभी भी 4 लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। भारी बारिश के चलते ये सारा मामला जो है वो सामने आ रहा है। कहीं ना कहीं ये जो मामला है वो बारिश के चलते है। कहीं जो बाढ़ की स्थितियां देखी जा रही है पूरे गुजरात के कई इलाकों में, कई जगह पे ये बारिश की वजह से कई इलाके जो चपेट में आ चुके हैं, जिसकी वजह से ये सारा मामला सामने आ रहा है। जूनागढ़ की बात करें, जो 4 लोग दबे हैं अभी तक उनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है, कहाँ से है, कौन है वो लोग। लेकिन अभी प्रशासन की बात करें तो तकरीबन 4 लोग बिल्डिंग के भीतर क्या ये लोग मौजूद थे जो की मलबे में दबे हैं? अमित, मौके पर फिलहाल कौन कौन मौजूद है, किस तरह से चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन? जी बिल्कुल, ये उस वक्त उस इमारत में मौजूद थे ये 4 लोग, और मामले की जानकारी मिलते ही प्रशासन की जो टीमें हैं वो वहां पहुंच चुकी हैं। जो वहां के विधायक हैं वो भी मौका वारदात पर वहां मौजूद हो चुके हैं। लोगों को निकालने की जो कार्यवाही है वो शुरू कर दी गई है। पुलिस प्रशासन भी मौके पर आ चुकी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो 4 लोग दबे हैं, अभी तक इनमें से कोई भी बाहर नहीं निकाला गया है। अभी भी उनको बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं चालू है। तो जिसके चलते जो 4 लोग दबे हुए हैं उनको बाहर निकाला जा रहा है। माना जा रहा है कि ये लोग वहां पे अभी भी जिंदा है या नहीं, इसकी कोई भी शिनाख्त नहीं हुई है। लेकिन 4 लोग दबे होने की आशंका जताई जा रही है। पूरे गुजरात में जिस तरह से बारिश का माहौल है, जो बाढ़ की स्थिति है, 4 लोग जो दबे हुए हैं जूनागढ़ की इस इमारत में, तो प्रशासन की जो सारी टीमें हैं वो उस वक्त वहां मौका वारदात पर मौजूद है। तो किसी को भी घबराने की वहां पे नहीं, कोई घबराए ना, इसके लिए प्रशासन वहां पे लोगों को अर्जी भी कर रही है कि कोई भी चिंता की बात नहीं है। जो 4 लोग दबे हैं हम उनको सुरक्षित बाहर निकालेंगे। क्या ये आंकड़ा 4 का ही है या फिर और ज्यादा हो सकती है ये संख्या? कड़ियावल इलाके में बताया जा रहा है कि ये बिल्डिंग जहां पर थी वो सब्जी मंडी का एरिया है, ऐसे में हलचल वहां पर बहुत ज्यादा लोगों की रही होगी, तो क्या संख्या और ज्यादा हो सकती है ये फिलहाल?
जी बिल्कुल, फिलहाल तो चार ही लोग, प्रशासन के तौर से जो आंकड़ा सामने आया है वो चार ही लोगों का आया है, लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि वो सब्जी मंडी इलाका है, बारिश का माहौल है, लोग अपने जो घर में जरूरी चीजें होते हैं उनकी खरीदी के लिए निकले हैं, क्योंकि आने वाले समय में भारी से भारी बारिश की आगाही की जा रही है, तो लोग वहाँ से सब्जी मंडी से जो भी चीजें हैं घर की वो लेने के लिए निकले हुए हैं। तो जब ये मामला पूरा सामने आया हुआ है तो उन सारी चीजों को लेकर कहीं ना कहीं जो है लोग दबे हुए हैं। अभी तक सिर्फ चार लोगों का आंकड़ा सामने आया हुआ है, अभी भी कोई निश्चित आंकड़ा सामने नहीं आया है कि कितने लोग दबे हुए हैं वहाँ पे, और भी लोग हो सकते हैं यह भी माना जा रहा है, लेकिन फिलहाल प्रशासन ने सिर्फ चार लोगों की पुष्टि की है कि चार लोग वहाँ पर मौजूद थे जो इस मलबे में दबे हुए हैं। वहाँ जो लोग मौजूद थे उन्होंने बताया कि चार लोग अंदर थे। अमित, इससे पहले भी जूनागढ़ की अगर मैं बात करूँ, पिछले तीन से चार दिन में कई ऐसे कच्चे मकान है जो की ढह चुके हैं, अभी भी मौसम विभाग का रेड अलर्ट है जूनागढ़ को लेकर, ऐसे में एहतियात के तौर पर प्रशासन क्या कोई कदम उठा रहा है, उन कच्चे मकानों को क्या खाली करवाया जा रहा है ताकि कैजुअलिटीज ना हो? जी बिल्कुल, जिस तरह से बारिश लगातार हो रही है जूनागढ़ में बात करें, पूरे दक्षिण गुजरात की बात करें, पूरे गुजरात की बात करें, तो जो निचले स्तर के जो मकान है जहाँ पे निचले स्तर का जो क्षेत्र है वहां से लोगों को कहीं ना कहीं बाहर निकालने की जो काम है वो प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, लेकिन अचानक से जब यह हादसा हुआ है तो प्रशासन भी असमंजस में है कि किस तरह से कार्यवाही की जाए। आपको बता दें कि फिलहाल निचले स्तर के जो लोग हैं उनको बाहर निकाला जा रहा है, जहां पे बाढ़ की स्थिति आने की नौबत बताई जा रही है, तो उन सभी लोगों को हटाकर सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है, और आने वाले समय में यदि जरूर पड़ा तो और भी लोगों को वहां से स्थानांतरित किया जाएगा, जिसके चलते वहां की जो एनडीआरएफ की टीम है वो भी मौजूद है, प्रशासन भी मौजूद है, निचले क्षेत्र के जितने भी इलाके हैं उन सभी जगह पे प्रशासन अपने कहीं ना कहीं वो नजर बनाए बैठी है कि यदि बारिश तेज होती है, बाढ़ की स्थिति कहीं ना कहीं अगर देखने को मिलती है, उन सभी जगहों से उन लोगों को बाहर निकाला जाएगा, सुरक्षित भेजा जाएगा, लेकिन ये जो कुदरती हादसा है, कच्चा मकान था वो जब ढह चुका है, कहीं ना कहीं जर्जरित इमारतें हैं, उनमें से खास अपील लोगों से की जा रही है कि जो भी इमारतें जर्जरित हैं वहां से लोग स्थानांतरण कर ले, क्योंकि जर्जरित इमारतें हैं, काफी तेज हवा के साथ बारिश हो रही है, तो कहीं ना कहीं लोगों से गुजारिश की जा रही है कि तत्काल रूप से उन जगहों को खाली किया जाए। ये जो चार लोग हैं इनके बारे में भी कुछ जानकारी दीजिए अमित, अगर पता चल पाया है तो, इसमें क्या बच्चे हैं, महिलाएं हैं, कौन है ये चार लोग, एक ही परिवार के हैं क्या? जी बिल्कुल, अभी प्रशासन के तौर से अभी ये चार लोगों को जब निकाला जाएगा तब उनकी शिनाख्त की जाएगी, अभी तक कोई निश्चित आंकड़ा सामने नहीं आया है, अभी निश्चित किसी व्यक्ति की वहां पे पहचान नहीं हुई है कौन लोग मौजूद थे, लेकिन प्रशासन द्वारा सिर्फ चार लोग बताए जा रहे हैं, और इंडिया न्यूज इस पर हमेशा नजर बनाए हुए है कि कौन लोग वहां थे, किस वजह से वहां गए थे, क्या कर रहे थे, इन सारी मामलों को लेकर इंडिया न्यूज अपनी पैनी नजर बनाए हुए है उस पर। जब चार लोगों को निकाला जाएगा, यही माना जा रहा है कि चार लोग सुरक्षित बाहर निकल जाए, मलबा है, मलबे को सबसे पहले वहां हटाया जा रहा है, जो प्रशासन के जो जेसीबी की टीम जेसीबी लेकर वहां पहुंच चुकी है, सारे मलबे को हटा रही है, वहां पे और भी जो निगम के कर्मचारी है वो भी वहां पर मौजूद है, सभी लोगों को। अमित, इस इलाके के बारे में भी और जानकारी दीजिए, चूंकि जूनागढ़ गुजरात के उन जिलों में है जो कि सबसे ज्यादा बाढ़ और बारिश से प्रभावित हैं, ऐसे में जिस जगह पर ये बिल्डिंग गिरी है उस एरिया में पूरा क्या पानी था या फिर सूखा था उस इलाके में? जी बिल्कुल, करियावड़ की बात करें तो पूरे जूनागढ़ इलाके में इस समय 70 से 80% ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पानी पूरी तरह से डूब गया था, जिसके कारणवश ये सारा मामला सामने आ रहा है। तो जहां पर करियावड़ की बात करें तो वहां पे भी जल जमाव था, वो काफी मात्रा में था, लेकिन जैसे ही बारिश बंद हुई तत्काल रूप से वहां से जो जल भराव था उसको खाली कराया गया, यातायात की जो सेवाएं थे उन्हें शुरू कर दी गई, लेकिन अचानक से जब यह हादसा सामने आया है तो उन सारी चीजों को लेकर प्रशासन और भी जो वहां पे जर्जरित इमारतें हैं, जो भी कच्चे मकान से, उनको तत्काल रूप से खाली करने की गुजारिश की जा रही है। तो जो कड़ियावड़ इलाका है वहां पे माना जाता है कि कहीं ना कहीं सारी जगहों पर पानी भरा था, जिसकी वजह से जमीन ढीली हुई और अब वह लोग वहां से लोगों को हटाया जा रहा है, और जब ये जमीन ढीली हो गई तो जर्जरित इमारतें जो है वो कहीं ना कहीं ढहने की जो मामले है वो कहीं ना कहीं सामने आ रहे हैं। तो पूरे गुजरात में बात करें तो प्रशासन इस समय मुस्तैद है, जो भी कार्यवाही करनी है वो सारी कार्यवाही वो कर रहे हैं,
लेकिन अचानक से हादसा होने से प्रशासन भी कहीं ना कहीं अब हर जगह पे अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। जो भी संभावित विस्तार है जहाँ पे लगता है कि पानी का जलभराव हो जाएगा, ये इमारतें जर्जरित है, बाढ़ की स्थिति है, उन सभी जगहों को खाली कराया जा रहा है। और जो ऊपरी क्षेत्र है जहाँ सुरक्षित क्षेत्र है, जहाँ पे जलभराव कम होने की आशंका है, जहाँ बाढ़ की स्थिति कम है, उन सभी जगहों पर उनको सुरक्षित रूप से भेजा जा रहा है। इस मकान के बारे में कुछ जानकारी लग पाई है क्या? क्या कच्चा मकान था ये? बहुत ज्यादा पुराना मकान था, जर्जर हालत में था ये मकान जिस वजह से गिर गया, कारण क्या रहे इस मकान के गिरने के? प्रशासन अभी उसी शिनाख में लगी हुई कि क्या कुछ कारण था, लेकिन अभी जो दो मंजिला इमारत था वो काफी सालों पुराना इमारत था, उसको रिनोवेशन की जरूरत थी, लेकिन समय पर उसका रिनोवेशन न हुआ और अचानक से जूनागढ़ और पूरे गुजरात में जब ये बारिश का माहौल बना, हर जगह तेज बारिश हो रही है, तो जिसकी वजह से रिनोवेशन का भी काम उन्होंने अटक गया और उसी के कारण कहीं ना कहीं ये मामला सामने आ रहा है कि रिनोवेशन न होने की वजह से सालों पुराना जर्जरित मकान था और यह हादसा हो गया है। तो इस वक्त जो पूरी प्रशासन की टीम है वो इस तिनाक में लगी है कि किस वजह से ये जो सारा मामला है, जिस तरह से मकान धराशायी हुआ है, उन सारी चीजों को लेकर प्रशासन भी अभी खोजबीन में शुरू हो गई है। सबसे पहले प्रशासन की प्राथमिकता ये है कि सबसे पहले वहाँ जो लोग दबे हैं, बिल्कुल देखिए प्राथमिकता ये है कि जो लोग दबे हुए हैं उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। अमित, आपका बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए। नजर आप बनाए रखिएगा, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे।